आज हम बनाएंगे चाय जो कि पीने से थकान दूर हो जाती है और हम लोगों की सुबह चाय से शुरू होती है। कुछ लोग चाय पीने के लिए दूर दूर तक चले जाते हैं। क्यों ना हम इलायची वाली चाय घर पर ही बनाएं और इसका मजा लें। चाय बनाने के लिए एक पतीली लेते हैं, इसमें डालेंगे एक कप दूध। आधा कप पानी, चार छोटी इलायची को खोल कर डालें। इलायची की खुशबू चाय को और मजेदार बना देती है। अब इसे अच्छे से चलाएं। अब डालेंगे इसमें 3 छोटे चम्मच शक्कर। आप अपने हिसाब से शक्कर कम ज्यादा कर सकते हैं। सभी चीजों को अच्छे से चलाएं और खूब अच्छे तरीके से पकने दें। सब चीज अच्छे से पक गई है। अब डालेंगे 2 छोटे चम्मच चाय की पत्ती। चाय की पत्ती जो आप इस्तेमाल करते हैं वही डालें, कोई ब्रांड की चाय पत्ती जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि चाय किस तरह से बनानी है। आप चाय को 3 से 4 मिनट तक धीमी आंच पर पकने दें। धीरे धीरे चाय पकेगी तो चाय का रंग और खुशबू बहुत ही मजे की आएगी और चाय पीने में बहुत ही मजा आएगा। चाय बंद कर तैयार हो गई है। इसी तरीके से चाय बनाकर जरूर ट्राई करना और कमेंट में जरूर बताएं कि कैसी लगी आपको इलायची वाली चाय की रेसिपी। ऐसे ही मजेदार रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।